स्वागत करती हूँ। और एक चीज़ और मैं शेयर कर रही हूँ, मेरा 100 सब्सक्राइबर हो और बहुत बहुत धन्यवाद उन सब्सक्राइबर्स को जिसने हमें सब्सक्राइब किया है, मेरे फ्रेंड्स। हमारे 100 सब्सक्राइबर होने के लिए बहुत मैं बहुत खुश हूँ इस बात पे कि आप लोगों ने मेरे वीडियो को लाइक किया, सराहा। और आज मैं जिसके बारे में बोलने वाली हूँ, बताने वाली, वो है काउडंग। वो सारे जानते हैं, कहीं कुछ बोलते हैं इसे उपला बोलते हैं, कहीं गोइठा बोलते हैं, पर ये हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ही यूजफुल है। और इसमें क्या क्या कितने एनपीके पाया जाता है, न्यूट्रिएंट्स सारे चीज़ इसमें बहुत ही हार्ड न्यूट्रिएंट्स है पाया जाता है। इसे हम किस तरह यूज करेंगे इसके बारे में आज मैं इस वीडियो में बताऊंगी आपको। मैं एक महीने में एक बार यूज करना है इसे। आप गौशाला से ले आ सकते हो, शहरों में मिलना मुश्किल होता है, फिर भी कोशिश करेंगे, ऑनलाइन भी मिलता है, मंगा सकते हैं इसे। जिसमें प्लांट्स में डालोगे तो आपके प्लांट्स अच्छी तरह से ग्रो करेगी। सारे न्यूट्रिएंट्स इसमें पाए जाते हैं, कितना परसेंट में पाया जाता है इसका भी डिटेल्स मैं पिक्चर देखकर आपको बता रही हूँ। ये मुझे पानी में डाले हुए लगभग 1 मंथ हो चुका है। एक बार मैं इसका पानी यूज कर चुकी थी, हफ्ते तक डाल दिया था, उसके बाद पानी। इसे आप 2 बार यूज कर सकते हो। और इसे में अगर गुड़ भी मिलाकर चाहे तो यूज कर सकते हैं, पर मैं अभी डायरेक्ट काउडंग का पानी यूज कर रही हूँ। इसके पानी थोड़ा स्मेल देता है, पर थोड़ी स्मेल आप यूज करोगे तो थोड़ा उसका स्मेल थोड़ा गंदा महकता है, पर क्या प्लांट्स के लिए बहुत यूजफुल है। इसमें क्या क्या न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है, इस सारे का मैंने चार्ट पहले आपको दिखा दिया है। और इसे आप कोई भी प्लांट्स में यूज कर सकते हो, फ्लावर प्लांट्स, वेजिटेबल प्लांट्स। और यूज करने का तरीका क्या है, एक बकेट, जैसे ये बाल्टी आपको दिख रहा है, इसमें एक बकेट कम से कम थोड़ा सा कम पानी ले लेते, तो पानी की मात्रा थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल करें। इसमें बाल्टी में पानी पूरा, जितना बाल्टी या बकेट देख रहे हो उतना पानी में कम से कम हाफ या एक मग, जितना अभी मग दिखाऊंगी उतने मग आप ये काउडंग्स का पानी यूज कर सकते हैं। और किस तरह इसके सारे प्लांट्स में देखोगे, एक एक मग सारे प्लांट्स में, क्योंकि काफ़ी मात्रा में इसमें पानी मिक्स है। डायरेक्ट यूज़ ना करें क्योंकि ये बहुत हार्ड होता है, इसमें सारे न्यूट्रिएंट्स बहुत ही हार्ड होते हैं। ज़्यादा डायरेक्ट यूज करने से प्लांट्स को हानि पहुंचा सकता है, इसीलिए पानी मिलाकर ही यूज करें। जब भी यूज करें तो पानी मिलाकर ही यूज करें। और इसमें बैक्टीरिया पाया जाता है जो ग्रोइंग की मात्रा को बढ़ाता है, इसलिए मुझे इतनी बड़ी जानकार भी नहीं हूँ, फिर भी थोड़ा बहुत तो नॉलेज मैं ले ही लेती हूँ, और लेने के बाद आप लोगों को शेयर करती हूँ। ये सारे वेजिटेबल के प्लांट्स हैं, इसमें अभी डालने में सारे, अभी तो मैं वेजिटेबल के प्लांट्स में डालकर आपको दिखा रही हूँ, पर सारे प्लांट्स में डालने में वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए केवल वेजिटेबल्स का ही प्लांट्स में मैं डालकर आपको दिखा रही हूँ। और इस्तेमाल का तरीका मैंने बताया, महीने में एक बार यूज करें, और जो बच जाएगा उसका मटेरियल्स उसे फेंके ना, थ्रो ना करें, उसे आप मिट्टी में इस्तेमाल कर सकते हैं, सॉइल जो है सॉइल में मिक्स कर दें, ताकि उसमें भी वो अभी न्यूट्रिएंट्स सारे बचे हुए थे वो खाद को उर्वरक बनाता है, वो खाद को ये सॉइल को ग्रोइंग पावर बढ़ाता है, इसलिए उसको भी फेंकना नहीं है।
और सारी वेजिटेबल और प्लांट्स में मैं डाल रही हूँ। किस तरह डालना है, सब में एक एक मग डाल दीजिए, जितना बड़ा मग दिख रहा है आपको। काफ़ी मेरे पास के प्लांट्स वेजिटेबल के सारे बड़े बड़े पॉट हैं, 10-12 इंच का से ऊपर ऊपर के हैं सारे, तो इसलिए एक एक मग काफ़ी है। सब में एक एक मग डालना हूँ। वाटरिंग के बल्ले इसे ही यूज करें, और जहाँ पे ये बारिश हो रही है वहाँ यूज़ ना करें, वो तो बेकार जाएगा। और जहाँ नहीं बारिश हो रही है, जहाँ मैं रह रही हूँ वहाँ बारिश नहीं हो रही है, वहाँ तो आप आराम से यूज कर सकते हो उसे। आप इसे डाल कर देखो, आपका सारा प्लांट्स का देखना ग्रोथ अपने आप सही हो जाएगा। ये जो बच गया, जो मैं बता रही थी अभी, मैं ये सारे बच गए, अब थोड़े से जो बचे हुए हैं मैं दूसरे प्लांट्स में डालूँगी, फ्लावर प्लांट्स में। और ये जो बच गए हैं सारे को सॉइल में मिला देना है, फेंकना नहीं है, आप यूज कर सकते हो इसे। बस दो ही बारी यूज करें, और जो बच जाए उसे मिट्टी में मिला दें। ये उपले को आप दो बार यूज कर सकते हो आराम से। ओके फ्रेंड, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय। और लास्ट में ये भी बोलते जाती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद 100 सब्सक्राइबर के लिए मेरे दोस्तों, फ्रेंड्स। आप लोग भी ये कोरोना मौसम में खुश रहें, कोरोना को जल्दी भगाएं।